बेरोजगारी जो है 7 सालों में हल नहीं हुआ, जो रोजगार था वह बचा नहीं, बल्कि रोजगार भी छीने गए, नौकरियां भी छीनी गई, और जो है आज करीब जो है 4.5 करोड़ से ऊपर लोग जो है बेरोजगार हैं। बिहार और यूपी में कितना ज़बरदस्त जो है आंदोलन हुआ, बेरोजगार युवकों पर लाठियां चली, स्वास्थ्य के मामलों में, पिछड़ेपन के मामले में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। हमारे साथ आरजेडी के सीनियर नेता माननीय जयप्रकाश नारायण यादव जी हैं, और हम बात करेंगे आज राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को लेकर के। सर, आज महामहिम राष्ट्रपति महोदय का दोनों सदन के माननीय सदस्यों के बीच में जो उन्होंने बजट भाषण देने का काम किया है, वह सरकार का दस्तावेज है। सरकार लगातार कोरे आश्वासन देने का काम करती रही है, और जो महामहिम महोदय का अभिभाषण है उसमें सिर्फ वही पुरानी बातें, घिसी पिटी बातें जो है सामने है। हमारा आईना होना चाहिए कि बड़े पैमाने पर देश में जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी जो है 7 सालों में हल नहीं हुआ, जो रोजगार था वह बचा नहीं, बल्कि रोजगार भी छीने गए, नौकरियां भी छीनी गई, और जो है आज करीब जो है 4.5 करोड़ से ऊपर लोग जो है बेरोजगार हैं, राज्यों में है, देश में है। आज उस लेकर के लगातार बिहार और यूपी में कितना ज़बरदस्त जो है आंदोलन हुआ, बेरोजगार युवकों पर लाठियां चली। एक तो रोजगार पर कोई जो है स्पष्ट चित्र सामने नहीं है, शिक्षा के मामलों में, स्वास्थ्य के मामलों में, पिछड़ेपन के मामले में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। या लगातार जो है राष्ट्रीय जनता दल, हमारे दल के माननीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव जी, विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी, स्वयं उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी उठाती रही, आंदोलन हम लोग करते रहे, आज भी कर रहे हैं। संसद से लेकर सड़क तक हमारे माननीय सांसद से लेकर के हम लोग पार्लियामेंट में उठाते रहे हैं पहले भी यहाँ, लेकिन आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त हो सका है। यह संघर्ष जारी रहेगा। आज जो है जो जनसंख्या है, किस जाति की क्या जनसंख्या है, जातीय जनगणना हो, इस पर जो है एक स्पष्ट चित्र आना चाहिए था कि हम जातीय जनगणना को लेकर के हम जो है कराएंगे, लेकिन आज उन सवालों पर चर्चा नहीं होती है। आज वह जो है सिर्फ जो घिसी पिटी बातों पर। हमें सद्भाव चाहिए, हमें भाईचारा चाहिए, हमें मिल्लत चाहिए, हमें एकता चाहिए। हमारी जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जो सबसे बड़ा जो है हम लोकतांत्रिक देश हैं, हमारा सबसे बेहतरीन संविधान है जिसको बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने देने का काम किया। आज उस संविधान के तहत जो है कार्य नहीं हो रहा है, यह जो है दुखद है। SC है, ST है, OBC है, बैकबेंचर है, पिछड़ा है, युवा है, आज उसके हक की बात नहीं हो रही है। जो संसाधन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, आज जो है कुछ नहीं, सिर्फ जो है चुनाव में जो झोंके जा रहे हैं, पैसे जो है झोंके जा रहे हैं, इसलिए आज जो है सरकार न फिजूल खर्ची पर रोक लगाने वाली है, न बेहतर जो है काम करने वाली है। इसलिए आज के तारीख में मैं मानता हूं कि जो बजट जो है पेश किया गया महामहिम राष्ट्रपति महोदय के द्वारा, वह जो है भारत का भविष्य का चित्र जो है स्पष्ट खींचने का काम नहीं किया है। कांग्रेस ने जिस सवाल को खड़ा किया है, राहुल गांधी और खड़गे जी ने कहा है कि मेगासस मामले में सरकार पूरी तरह से लिप्त है और सरकार जानबूझकर कॉल रिकॉर्डिंग का काम किया है, करीबन 300 नेताओं की बात कही जा रही है, आप कैसे देखते हैं चीज़ को? नहीं, ये सही है, यहाँ ये जानबूझ करके कॉल रिकॉर्डिंग करना, जो ट्रांसपेरेंसी है, जो पारदर्शिता है, जो इंसान का जीने का हक है, उस पर जो है केंद्र की सरकार के द्वारा बार जबरदस्ती जो है मेगासस जो है के तहत जो है
किसी का रिपोर्ट लेना, किसी का जांच करना, किसी का टेप करना, या जो है लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं सिर्फ है, बल्कि आदमी का जो अपना निजी जीवन और उसका अधिकार है उसके साथ अन्याय है, इसलिए जो है इसका हम लोग विरोध करते हैं। और वहीं खड़गे जी ने कहा है कि सभी विपक्षों को हम साथ लेकर दोनों सदन में इस मामले को उठाएंगे। स्वाभाविक है, आज भी सवाल उठा है, आगे सभी जो है विपक्षी पार्टी अपना एकता के साथ जुट करके इन सवालों को जोरदार तरीके से सदन में भी उठाने का काम करेंगे, उठाते भी रहे हैं और जो है लगातार चर्चा भी हम लोग भी करते रहे हैं। आप सुन रहे थे जयप्रकाश नारायण यादव जी को, RJD के सीनियर नेता हैं, और इनका कहना है कि हम सभी विपक्ष एक साथ हैं ऐसे मुद्दों पर। दिल्ली से द इंडिया टॉप न्यूज के लिए मैं रवि।